चलिए हमको मार रहे इधर। गाड़ी बिल्कुल नहीं हटेगी, गाड़ी गाड़ी में चला आग लगा दो। तू गाड़ी बड़ा मैं लोट लूं टायर के नीचे, मैं लोट लूं ले बड़ा बड़ा ले, मैं लोट लूं ले बड़ा, तू बड़ा तू गाड़ी बड़ा तो मैं लोट लूं आग के नीचे, मैं देखता हूँ आज। हमको मार रहा है, चालान कर दो, कितने का करना है चालान? फाइन नंबर दे, फाइन नंबर दे, 20,000 जो भी करना करो ऑनलाइन चालान। हमारा सर भाई गलती नहीं है, हमारा गलती नहीं है जो हमको मारने के लिए चढ़ रहे हैं। हम भी ड्राइवर हैं, हम ड्राइवर हैं जो आज तुम मारने के लिए चढ़ रहे हो हमको। हम भी ऐसा ही है, हमारा भी घर ऐसा ही है, हमारा गलती हो हम गलती को सहते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों इस वीडियो क्लिप के अंदर जो शख्स ये कह रहा है कि मैं गाड़ी के टायर के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगा, ये इसी गाड़ी का ड्राइवर सबीर है और ये घटना कर्नाटका की है। हुआ असल में ये है कि मुबारक ट्रांसपोर्ट नाम की एक कंपनी की दो गाड़ियां हैं, आंध्र प्रदेश का नंबर है, एक का ड्राइवर सबीर है और दूसरी का अबरार है। 14 चक्का गाड़ियां हैं दोनों। दोनों गाड़ियों ने लोड लिया चिक्का बालापुर कर्नाटका से और इनको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर जाना था। लगभग 1000 किलोमीटर की ये दूरी है। अभी कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस भी नहीं किया था कि उससे पहले ही इन गाड़ियों को रोक लिया गया। कडप्पा बेंगलुरु हाईवे के ऊपर इंडियन ऑयल पंप है पास में और एक आरटीओ चेक पोस्ट है। ये घटना 18 फरवरी 2021 2:03 PM की है। गाड़ियों के अंदर दूध लोड था, मैगा डेयरी नाम की कंपनी है उसका माल था, लगभग 10-11 लाख कीमत थी इस माल की। इस आरटीओ चेक पोस्ट के ऊपर ड्राइवरों का दावा है कि उनको रोका गया और कोई भी आरटीओ कर्मी किसी वर्दी के अंदर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि आरटीओ ने अपने वहां पर एजेंट जो है वो छोड़ रखे हैं ताकि वसूली की जा सके। इन गाड़ियों को भी रोका गया और प्रत्येक गाड़ी से 500 रुपए एंट्री और 900 रुपए मांगा गया ओवरलोड का, क्योंकि उनका इल्जाम था कि गाड़ियां ओवरलोड हैं, अगर पैसे नहीं दिए तो 28,000 रुपए का चलान होगा, नहीं तो 500 रुपए एंट्री और 900 रुपए ओवरलोड का दो, यानी कि 1400 रुपए प्रत्येक गाड़ी, दोनों गाड़ियों का 2800 रुपए ये मांग हुई उनसे। लेकिन जो ड्राइवर अबरार था उसने अपने ओनर को गाड़ी मालिक को फोन किया और गाड़ी मालिक ने कहा कि कोई एंट्री हम देंगे नहीं और गाड़ियां हमारी अंडरलोड है इसलिए हम ओवरलोड का कोई पैसा नहीं देंगे। अगर वो ज्यादा जिद कर रहे हैं तो उनको बोलो कि ऑनलाइन चलान कर दे मेरी गाड़ियों का, लेकिन हम एक फुटी कौड़ी हाईवे के इन लुटेरों को नहीं देंगे। इस बात पर वहां तकरार बढ़ गई। एक तरफ से जो आरटीओ के एजेंट थे वो नहीं मान रहे थे और दूसरी तरफ जो ड्राइवर थे, जब उनके गाड़ी मालिक ने कह दिया कि पैसे नहीं देने हैं तो उन्होंने भी स्टैंड लिया। लेकिन स्टैंड का असर ये हुआ कि वहां पर बुरी तरीके से ड्राइवरों का कहना था कि हमें मारा गया है उन लोगों की तरफ से जो आरटीओ अपने आप को आरटीओ कर्मी बोल रहे थे। इसी वजह से आप इन वीडियो क्लिप्स के अंदर आपने देखा कि जो शख्स बोल रहा है जोर जोर से वो रो भी रहा है साथ में। वो ड्राइवर्स हैं इन गाड़ियों के सबीर और अबरार, वो दुखी थे। वो बार बार ये भी कह रहा है कि क्या ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं है क्या? इसी वजह से वो गुस्से में आकर उन्होंने गाड़ी जो थी वहां पर सड़क पर खड़ी कर दी, रास्ता ब्लॉक कर दिया। इतने में वहां पर भीड़ लग गई और देखिए वहां पर क्या हुआ। ये चेक पोस्ट है, ये चेक पोस्ट जिसको मार रहे हमको, क्या ड्राइवर की इतना इज्जत नहीं है क्या? ड्राइवर का इतना इज्जत नहीं है क्या? इतना इज्जत नहीं है, गाड़ी नहीं हटेगा मैं बोल रहा हूँ। अगर गाड़ी हटेगा मैं जान देता हूँ इधर, जान देता हूँ। अगर गाड़ी हटेगा तो मैं इधर मरूंगा। हाँ तुम मारने के लिए चढ़ रहे हो हमको, हमारा क्या गलती क्या है? इस घटना के बाद हमारी बात भी हुई ड्राइवर से और उनसे हमने पूछा कि सच सच बताओ कि क्या सच में गाड़ी ओवरलोड थी। तो उनका कहना था कि सर बिल्कुल भी गाड़ी ओवरलोड नहीं थी, 5% जो ओवरलोड की ऑप्शन है हमारे पास GBW के ऊपर उसके अंदर अंदर ही हमारा लोड था बकायदा। उन्होंने खुद कहा कि वेट ब्रिज की हमारे पास पर्चियां थी कांटे की, तीन तीन अलग अलग कांटों की पर्चियां थी, वो भी हम उनको दिखा रहे थे, बावजूद इसके वो मान नहीं रहे थे। लेकिन जब वहां पर ड्राइवर्स ने कहा कि हम एक पैसा नहीं देंगे, हम यहीं पर रहेंगे, अगर गाड़ियों को हटाओगे तो हम टायर के नीचे आके अपनी जान दे देंगे, और जब पूरा हंगामा हुआ तो वहां पर जो आरटीओ अधिकारी थे उनके पास इनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद दोनों गाड़ियों को वहां से बिना चलान और बिना किसी एंट्री के जाने दिया गया। उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत, अब ऐसा लगता है कि देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं बचा है जहां पर आरटीओ अधिकारी या पुलिसकर्मी ट्रक वालों से लूट नहीं करते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्टिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ
ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।